हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शाही टुकड़े की रेसिपी शेयर करेंगे, लेकिन हमारे इस शाही टुकड़े की रेसिपी में आपको ब्रेड को घी में डीप फ्राई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने शाही टुकड़े में ब्रेड की जगह पे इन रस्क का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शाही टुकड़ा बनाने की सामग्री देख लेते हैं। इसके लिए मैंने रबड़ी ली है, इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। ये मैंने एक छोटी कटोरी चीनी ली है और ये मैंने कुछ रस्क लिए हैं। तो चलिए शाही टुकड़ा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, जिसमें मैं ये एक कटोरी चीनी डाल देंगे। जितनी आप चीनी लिए हैं उसका दो गुना आपको पानी लेना है, यानी यहाँ हम दो ग्लास पानी डालेंगे। ये देखिए, हमने दो ग्लास पानी डाल दिया। अब गैस को ऑन कर देंगे और इसकी चाशनी बना लेंगे। हमें चाशनी एक तार की नहीं बनाना है, बल्कि इसके चीनी घुलने तक का इंतजार करना है और इसको थोड़ा सा पका लेना है। हमें इसको तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ी सी चिपकने न लगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देना है। ऐसे इलायची पाउडर डालना ऑप्शनल है, आपका मन है तो आप डालिए, अगर आपका मन नहीं है तो आप इसे मत डालिए। और इस चाशनी को बराबर चलाते रहना है। अगर हम चाशनी को टाइट कर देंगे, यानी एक तार की बना देंगे, तो ये हमारे रस्क के अंदर नहीं जाएगी, रस्क चाशनी को सोख नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें चाशनी को एक तार की नहीं बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी रेडी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। हमारी चाशनी रेडी हो गई है कि नहीं, इसकी पहचान करने के लिए एक स्पून से थोड़ी सी चाशनी को ले लीजिए और एक कटोरी में डाल लीजिए। उसके बाद उंगली की सहायता से ऐसे इसको चेक कर लीजिए। अगर ये आपस में हल्का सा चिपक रही हैं, एक तार नहीं बन रहा है, सिर्फ ये चिपक रही है, इसका मतलब हमारी चाशनी रेडी हो गई है। चाशनी को हमें इसी स्टेज तक पकाना है। अब चाशनी को हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि एकदम गर्म चाशनी में अगर हम रस्क को डालेंगे तो वो रस्क सॉफ्ट होकर टूट जाएंगे, इसलिए हमें इनको हल्की गुनगुनी चाशनी में ही डालना है। ये देखिए, चाशनी हमारी अब कुछ ठंडी हो गई है। अब हम इनमें एक एक करके सारे रस्क डाल देंगे और पलट पलट के ऐसे 2 सेकंड के लिए पलट पलट के दोनों साइड चाशनी में सोख कर लेंगे। पलट पलट के दोनों साइड चाशनी में इनको सोख कर लेंगे और इनको फिर ऐसे बाहर निकालकर एक प्लेट में रख देंगे। ये देखिए, इसी तरह हमें दूसरे को, तीसरे को, जितने भी आपकी कढ़ाई में आ सके उतने रस को एक साथ आप सोख कर सकती हैं चाशनी में। ये देखिए, ज्यादा देर के लिए इनको नहीं छोड़ना है, नहीं ये सॉफ्ट होकर टूट जाएंगे। ये देखिए, और इनको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए, इनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इनके ऊपर मेरी बनाई हुई रबड़ी को डालेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए,
और फ्रेंड्स एक बात और, अगर आपने रबड़ी ताजी बनाई है तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ताजी रबड़ी को रस्क अपने अंदर बहुत आसानी से सोख कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास रबड़ी बनी हुई रखी है तो उसे थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, उसके बाद इन शाही टुकड़ों पर उसको डालिए ताकि वो भी आसानी से रबड़ी को सोख कर ले। और हमारे शाही टुकड़ों का स्वाद दोगुना हो जाए। देखिए मैंने इन पर रबड़ी डाल दी है, अब इनको हम टूटी फूटी से गार्निश कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से इनको इनके ऊपर टूटी फूटी डालकर इनको गार्निश कर देंगे। देखिए ये शाही टुकड़े तैयार हो गए हैं सर्व करने के लिए। इनको हम गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं और इन्हें ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये शाही टुकड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे एक बार घर में जरूर ट्राई करिएगा और हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा।